बीते दिनों शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को गिराए जाने को लेकर हिंदू संगठनों व स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इसी मामले में सुखू सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी अवैध निर्माण को गिराए जाने के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने इस बयान का समर्थन करते हुए पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रवासी की जांच व पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल हमेशा आपका स्वागत करती है, परंतु इस प्रकार राज्य की शांति भंग करने वाले यहां बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बाहर से आने वाले इन लोगों ने स्थानीय लोगों के रोजगार को कम किया है और इनके साथ ही हिमाचल में अपराध भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका कोई सत्यापन नहीं होता और ये पता नहीं लगता कि उनकी आड़ में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। वीरेंद्र कंवर ने प्रवासियों के पंजीकरण व वर्क परमिट बनाए जाने की बात की, जिससे प्रदेश में इनके द्वारा उत्पन्न हो रही असुरक्षा व शांति की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, असामाजिक तत्वों का प्रदेश के अंदर बोलबाला हो गया है। जैसे ही सरकार बनी, इनकी वंशें जो है वो खिल गई हैं और समय समय के ऊपर इस तरह के बहुत सारे प्रकरण जो है वो सामने आए हैं। वैसे ये चिंता का विषय है कि बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे छोटे छोटे व्यवसाय के ऊपर जो है वो कब्जा करते जा रहे हैं और अब ये संख्या जो है वो लाखों तक जो है वो पहुँच चुकी है, जबकि इनकी कोई गिनती नहीं है कि ये यूपी के हैं, बिहार के हैं या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याज हैं। सरकार को चाहिए कि इन तत्वों के ऊपर जो है वो लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा छोटा व्यवसाय जो है वो धीरे धीरे हमारे हाथों से निकल रहा है, दूसरा धीरे 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 ये छोटे व्यवसाय के ऊपर काबिज होते जा रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि जो मार्केट जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जा रही है, वो और चिंता का विषय हो गया है। और हमने देखा है कि कुछ 8-10 वर्षों के अंदर ही यहाँ पर इस तरह के इलीगल्स काम जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और चोरी, डकैतीस, मर्डर्स, रेप की जो घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनके पीछे इन वाहिया तत्वों का जो है वो हाथ है और जो पकड़े नहीं जा रहे हैं। और इसके लिए कोई ना कोई सरकार इसमें चिंता करे कि ऐसे लोगों की गिनती हो और इनकी पहचान की जाए, पूरे प्रदेश के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए और इनको हिमाचल में रहने का परमिट जो है वो जारी होना चाहिए। ये कितने समय तक जो है वो यहाँ पर रहेंगे और कौन सा व्यवसाय जो है वो कर रहे हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है, पहचान जो है वो छुपाई नहीं जानी चाहिए। और इस तरह की जो शिमला जैसी घटना हुई है, जब जहाँ माननीय हाईकोर्ट वहाँ पर आए, वहाँ पर माननीय हाईकोर्ट का नियम है कि 2.5 मंजिल से ज़्यादा जो है वो हम नहीं बना सकते हैं, और फिर सरकार के आंखों के सामने ना के नीचे जो है वो 4-4, 5-5 मंजिली जो है वो स्टोरीज वहाँ पर बन रही हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर जो जनमानस जो कार्रवाई चाहता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसी ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर जो है वो लगाम लगनी चाहिए। जिस तरीके से कि इन असामाजिक तत्वों की पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और इस तरीके से जो भी संस्थान बने हैं, जो भी हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी आवाज़ जो है वो रखने का सभी को अधिकार है और मैं ये समझता हूँ कि अरुण सिंह ने बिल्कुल ठीक और सही जो है वो जनमानस की आवाज़ को रखा है। सरकार को चाहिए कि अब इसके ऊपर कार्रवाई करें। देखिए, जो ओवैसी है वो कुछ भी कहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस देश को गजबा हिंद की तरफ ले जाना चाहते हैं और वो उस की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं। वो मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं, वो मुस्लिमों को भड़काने का काम जो है वो समय समय के ऊपर करते हैं, जो कि राष्ट्रहित में नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।